आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के इंडियन फीमेल के अंदर, इंडियन हाउसवाइफ के अंदर वर्तमान समय में धीरे धीरे क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, उस पर मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में बातें करूँगा। पिछले लगभग एक साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी हाउसवाइफ अब कुकुल्ड फैंटेसी में इंटरेस्ट लेने लगी है। उनको इस बात में इंटरेस्ट आने लगा है कि काश मेरे भी हस्बैंड कुकुल्ड होते, लेकिन दुर्भाग्य से वाइफ को ये पता नहीं है कि मेरे हस्बैंड कुकुल्ड हैं कि नहीं है, क्योंकि हस्बैंड कुकुल्ड वाली वाइफ को वीडियोज भी नहीं दिखाते, कुकुल्ड टॉक भी नहीं करते, कुकुल्ड डर्टी टॉक भी नहीं करते, कुकुल्ड रोल प्ले भी नहीं करते। कुकुल्ड डर्टी टॉक कहने का मतलब कि अपनी वाइफ से अदर मेल के साथ प्ले करने से संबंधित गंदी गंदी अश्लील बातें करना, गंदी यौन उत्तेजना देने वाली बातें करना। यहाँ पे गंदी और अश्लील यौन उत्तेजना देने वाली बात का मतलब अपनी वाइफ को अदर मेल से बहुत ही डर्टीएस्ट लेवल पर प्ले करते हुए देखने की चाहत रखना और उस पे वाइफ के साथ मिलकर के डिस्कशन करना, रोल प्ले करना। तो वाइफ ये सब नहीं देखती कि मेरे हस्बैंड के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वाइफ अंदर ही अंदर चाहती है कि काश यार मेरे भी हस्बैंड कुकुल्ड होते तो बहुत मज़ा आता, काफ़ी आनंद आता। और ऐसी वाइफ की संख्या 28 से लेकर के 35 के बीच में है, यानी जो हाउसवाइफ 28 और 35 की बीच की है उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ रही है और खुल करके वैसे व्यक्ति के सामने रख पा रही हैं जिसके साथ वह सेफ समझती हैं। जैसे अपने फ्रेंड सर्किल में अपनी किसी सहेलियों से ऐसी चीज़ें डिस्कस करती है, और ख़ास करके इस तरह के पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से जो वीडियोज होते हैं वो सारी फीमेल भी देखती हैं, जिसके वजह से इस तरह के डिस्कशन अपनी सहेली से करते हैं, अपने करीबी भरोसेमंद फ्रेंड से करती हैं। और ऐसी महिलाओं में उन महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। मान लीजिए कि कोई महिला जॉब करती है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आर्थिक रूप से वह स्वतंत्र है। उसके अंदर यह इच्छा उठने लगी है कि मेरे हस्बैंड कुकुल्ड होते तो मैं भी इंजॉय करती। और कुछ महिलाएँ, जब मैं कुछ महिलाएँ कहूँ ना, तो आप मान के चलना कि 100 महिलाएँ मुझसे बातें करती है, उसमें से 10 महिलाएं इस बात पे अग्री होती हैं कि काश मेरे हस्बैंड कुकुल्ड होते। यानी कि धीरे धीरे फीमेल के अंदर भी, हाउसवाइफ के अंदर भी कुकुल्ड वाली फीलिंग्स आ रही है, और कुकुल्ड वाली फीलिंग्स इस रूप में कि मेरे हस्बैंड कुकुल्ड होते। और ये फीलिंग्स तो कतई नहीं होती कि मेरे हस्बैंड मेरे सामने किसी अदर फीमेल से प्ले करे, नहीं। ये जैसे ही मैं पूछता हूँ तो वो अंदर से कहती है ना 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 ना, अंदर से थोड़ा बैड फील करती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड कुकुल्ड हों और मुझे किसी अदर मेल से कहीं बाहर घूमने जाएं, कहीं किसी टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने जाएं, किसी होटल में ठहरें, तो मेरे हस्बैंड खुद मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग मेल लेकर के आएं, एक स्ट्रॉन्ग बुल लेकर के आएं और मेरे से प्ले करवाएं। तो इस तरह की इच्छाएं एक हाउसवाइफ के अंदर भी उठने लगी है। कुकुल्ड के विचार से एक इंडियन हाउसवाइफ भी संक्रमित होने लगी है। और इसके आगे बढ़ें तो काफ़ी सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो अपने हस्बैंड को कहती है, ध्यान से समझिएगा, जो हाउसवाइफ जॉब में है, जो इकोनॉमिकली स्वतंत्र है, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है, वो हाउसवाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि यदि मैं किसी अदर मेल से प्ले करूं तो आपको कैसा लगेगा। और ये सारी चीज़ें कोई भी आम महिला मेरी बातों को सुन करके ऐसे ही हस्बैंड से मत कह देना, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब रिलेशनशिप ठीक होता है, कभी कभी मजाक के मूड में हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो वाइफ मजाक के मूड में ही मौका मिलने पर चौका मार देती है इस तरह की सवालों को अपने हस्बैंड से पूछ करके कि यदि मैं किसी दूसरे मेल के साथ करूं तो, किसी दूसरे मेल के साथ भाग जाऊं तो, या उस तरह की पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से जो मूवीज देख रहे होते हैं प्राइवेट रोमांस के क्षणों में, उस वक्त अपने हस्बैंड से पूछ देती हैं कि यदि मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा, तो ज़्यादातर परिस्थिति में हस्बैंड का रिप्लाई होता है नो, नेवर, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो हाउसवाइफ
थोड़ी उदास हो जाती है और मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर सवाल पूछती है कि सर मैं अपने हस्बैंड को कुकुल्ड कैसे बनाऊं, या कैसे जाने कि मेरे हस्बैंड कुकुल्ड हैं, मैं भी चाहती हूं कि मेरे हस्बैंड कुकुल्ड बन जाए। और साथ में ऐसी महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वो चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे बॉयफ्रेंड को भी एक्सेप्ट कर लें, मेरे हस्बैंड भी कुकुल्ड हो जाए, मेरे हस्बैंड के अंदर भी एक कुकुल्ड मेल वाला स्वभाव हो जाए, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको भी एक्सेप्ट कर ले, यानी कि हस्बैंड के साथ भी मैं इंजॉय करूं, बॉयफ्रेंड के साथ भी इंजॉय करूं और अपना पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है वह ठीक रहे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सारी फैंटेसी जो है ना उन्हीं महिलाओं में आती है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। हो सकता है कि जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है वो मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर पा रही हैं तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो पेमेंट करना नहीं जानती है, जो अपॉइंटमेंट मेरे से नहीं ले पाती हैं, उनके अंदर भी हो, लेकिन जो मेरे सामने आ रहा है उसको ऑब्जर्व करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि कुकुल्ड फैंटेसी से संबंधित कोई भी आपके जीवन में समस्या है, वाइफ नहीं मान रही, वाइफ को कैसे मनाएं, जो भी आपके जीवन में इश्यूज है कुकुल्ड फैंटेसी से संबंधित, या अपनी कुकुल्ड फैंटेसी को मेरे से एक्सप्लेन व एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, मैसेज करिए, शर्माइए नहीं, काफ़ी सारे मेल फीमेल मुझसे बातें करती हैं, वहां मैसेज करिए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, हाय हेलो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हाय हेलो का रिप्लाई नहीं देता हूँ। अपॉइंटमेंट लिखेंगे, मैं आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बता दूंगा। प्रोसेस यही है कि मुझसे बातें करने का फी 500 है, 500 है, जो कि आपको ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पे करने होंगे और मुझे मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट सेंड करने होंगे और तब मैं आपसे बात करने का समय जल्द ही निर्धारित करूंगा और 40 मिनट से लेकर के 50 मिनट या किसी विशेष परिस्थिति में 1 आवर तक भी आपसे बातें हो सकती है और कुकुल्ड के बारे में जो भी इश्यूज है उसको मैं एक आइडियल वे में समाधान देने का प्रयास करूंगा। आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।